उत्तर प्रदेश का शौचालय चल गया, बाकी हमारा आगे ग्राम सभा तलवल का शौचालय कभी नहीं चला। अरे बाबूजी कुल जगह ही है केंद्र संयोजक भारतीय जनता पार्टी का है ना, फूंक दे थोड़ा उन्हन के, क्या कर जो फूंक था गच्ची पतलो, विकास को हिलाने जा रहा हूँ। अब विकास दो दो तीन तीन सरकारों का विकास है, हिलाना इतना आसान काम नहीं है। बहरहाल इसको हिलाने का प्रयास कर रहा हूं। दो दो सरकारी विभागों ने स्थापित कराया है यहां प्रतिष्ठान, और यह तीसरा विभाग है, यानी जल निगम में हैंडपंप लगाया, इस तरफ बाल विकास सेवा पुष्टाहार, और इधर है सामुदायिक शौचालय। आज तीनों को देखता हूं, और हमारे ठीक सामने यह है हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल। फिलहाल दो को मैं दिखा रहा हूं इस वीडियो में। पहले तो अगर पानी पीने के लिए आएंगे, और घर घर जल नल योजना, वह गड्ढे खोद करके ऐसे ही छोड़ दिए गए, फिलहाल इस पर आइए। यह हैंडपंप, एक हैंडपंप कम से कम 20,000 रुपए में स्थापित होता है, यहाँ कहीं कुछ लगा नहीं है, कभी पानी दिया या नहीं दिया मुझे नहीं पता, लेकिन इसकी खोपड़ी खत्म हो गई है, यानी इसका हाथ पैर भी काट दिया गया है, कुछ है नहीं। आइए चलते हैं इस विभाग को देखिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। इसका नाम है बाल विकास एवं सेवाहार पुष्टाहार, बाल विकास परियोजना सदर गाजीपुर, अनुपूरक पुष्टाहार। और यह है जब गर्भ में बच्चा आ जाता है तब से लेकर बच्चे के जन्म तक, जन्म लेने के बाद उसके पोषण सुपोषण, धात्री और गर्भवती महिलाओं को पोषित करने के लिए यह विभाग है। यह विभाग बहुत महत्व का है, और खेल जारी है, खेल पहले भी हो रहा था, खेल आज भी हो रहा है, जब तक हम कुंभकर्णी नींद में सोएंगे खेल होता रहेगा। विधायक से कोई मतलब नहीं है इस मामले में, सांसद से भी कोई मतलब नहीं है। हम अपने गाजीपुर जनपद में हैं, मनोज सिन्हा जब थे आंख मूंद करके वो अभी पट्टी बांध करके वो अभी थे, अफजाल अंसारी ने पट्टी बांधा ही है। अफजाल अंसारी कहेंगे हमसे क्या मतलब भैया, हम तो जेल वोल खट करके आ गए हैं, लोग जेल भिजवा रहे हैं और हम किसी तरह से जी रहे हैं। मनोज सिन्हा विकास पुरुष घोषित हो गए, ट्रेनें वेने चल दी, तो और इन सब चीजों से किसी का कोई मतलब नहीं है। विधायक पहले भी मरा था, विधायक वर्तमान में भी मरा हुआ है। पहले थे संगीता बलवंत थी, राज्यसभा में चली गई, उसके बाद इस समय जय किशन साहू हैं, वो अभी मृत प्राय है, कहेंगे साहब हम क्या करेंगे, हमारी सरकार तो है नहीं। उसके पहले विजय मिश्र थे, वो अभी मृत प्राय थे, मरे हुए लोग थे। आइए मरे हुए लोगों का नाम लेकर के अंधकार को ना धिक्कारें, अच्छा हो एक दीप जलाएं, लेकिन दीप जलाने का यही काम है, लोग कहते हैं कि आप गड़बड़ सड़बड़ दिखाते हैं। अब बताइए ना, किसी के दादा का पैसा है जिनका नाम लिया हूं, या मनोज सिन्हा का पैसा है, कि अफजाल अंसारी का पैसा है, कि विजय मिश्र का पैसा है, कि संगीता बलवंत का पैसा है, कि यह पैसा जयकिशन साहू का है जो समाजवादी पार्टी के हैं, यह तो पैसा हमारा आपका है। यह एक गड्ढा खोद दिया गया है, उसे भी देख रहे हैं, इसी में कूड़ा कचरा स्कूल का जलाया जाता होगा, चाहे हॉस्पिटल का जो भी हो। भीतर जाने की आवश्यकता नहीं, यहाँ गांव वाले भी जोरदार हैं, सब अच्छे अच्छे संस्कृत के स्लोगन लिख देंगे, आपके यहाँ भी होगा हमारे यहाँ भी है, भीतर अब इसके अंदर इतनी गंदगी है कि जाने लायक नहीं है। आइए अब अगर मैं ठोकर मारूंगा तो यह दरक जाएगा, इतना मुझे विश्वास है, लेकिन यह है कि कालिदास जी जैसा मैं काम नहीं करना चाहूंगा कि उसी डाल पर बैठ करके, क्योंकि यह दरकेगा तो यह भी आ सकता है। आइए साहब, जिला कार्यक्रम अधिकारी बैठते हैं जिले स्तर पर, और उसके बाद विकास खंड पर सीडीपीओ बैठते हैं, यानी बाल विकास के जो ब्लॉक के अधिकारी हैं, तत्पश्चात सुपरवाइजर, और हर गांव में दो तीन आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका। तो यह देख लिया आपने, बड़ा मजबूत है, कई एक को हम दोषी थोड़े ही देंगे, लेकिन दो बार से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी स्थापित है, उसके पहले अखिलेश यादव जी थे, अखिलेश यादव जी के पहले जो लोग थे सबका बारी बारी, और यह कम से कम तीन गवर्नमेंट पहले तो बना होगा। क्या नाम है आपका? अभय नारायण राय। मनोज सिन्हा का नाम लिया हूं तो बुरा तो नहीं लगा है आपको? बुरा लग ही के ना चाहिए, ना काम करेगा मुझे। बस सही है, वाह अभय नारायण राय, एक एक बहादुर पट्टा अभय नारायण राय इस गांव में मिल गए हैं। तो राय साहब, यह है सामुदायिक शौचालय, ग्राम प्रधान गुड्डू, गुड्डू इस समय है कि गुड्डू पहले थे? इससे इनायत अंसारी से पहले थे। अच्छा, गुड्डू पहले थे, उन्हीं के कार्यकाल में बना, उन्हीं के कार्यकाल में। तो जो वर्तमान में है उनसे कोई मतलब नहीं, वो तो कह देंगे कि हमसे क्या मतलब, हमको हैंड ओवर नहीं किए हैं प्रधान जी। अच्छा, हैंड ओवर नहीं किए हैं जी,
हैंडओवर ही नहीं हुआ। इसमें सब यहाँ का सारे आइए उत्तर प्रदेश का शौचालय चल गया, बाकी हमारा यहाँ का ग्राम सभा तलवल का शौचालय कभी नहीं चला। अरे बाबू जी कुल जगह ही है हलिया, 80% यह स्थिति है। आवा भीतर देखते जाइए, स्नानागार है, स्नानागार। मुख्यमंत्री जी कोई कहने का असर नहीं है, यहाँ की जिलाधिकारी है आरेखा अखौरी साहब। मैडम मैडम कुछ करेंगी इस पर? यह धन किसका है? आप ही लोगों का है? हाँ, हम ही लोगों का है। और किसका है? शक्ति केंद्र संयोजक है। अच्छा, पार्टी वाह वाह वाह, शक्ति केंद्र संयोजक भी है तो शक्ति केंद्र निःशक्त हो गया है। हाँ। निःशक्त माने बिना दम के हो गए। पन्ना प्रमुख, पन्ना प्रमुख सब हो गए हैं। अच्छा, पन्ना प्रमुख भी आप भी हैं? नहीं, बनाए हैं। अच्छा, अच्छा आप बनाए हैं शक्ति केंद्र संयोजक भारतीय जनता पार्टी का, है ना? फूंक देते उन्होंने, फूंकता कच्ची पतलो लेके फूंकता, सपा को फूंक दीजिए, भाजपा को फूंक दीजिए, क्या मतलब? ये कौन सी शक्ति आपके पास है? हमारे गाँव में कोई विकास नहीं हुआ है इसी तरह से। क्या करते हैं आप लोग? क्या करते हैं भाई? हम लोग खेती करते हैं। अच्छा, नहीं उनको चापते नहीं है कैसे? विधायक विधायक को पकड़ करके और उनको ऐसी की तैसी करना चाहिए। अब आइए देखिए, इसको तो देख ही रहे हैं, अब कितना बढ़िया विकास है। अब कहेंगे इधर शौचालय दिखा दीजिए, और देखिए देखिए यही है विकास। तो आइए इधर भी देख लीजिए, इधर भी देख लीजिए। राय साहब, पुरुष वाला है कि शौचालय महिला वाला है? महिला वाला, महिला पुरुष दोनों का। अरे बाप रे, ये भी लोग कहेंगे आप महिला वाले शौचालय में चले गए, तो टंकियों की तो लगी नहीं, नहीं। और समरसेबुल सब खत्म हो गया होगा। इसके बाद वो बगल में पोखरा, उसी में लोग पानी का निकास करते हैं। वाह 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 वाह, आइए टैंक को भी देख लेते हैं, टैंक को भी देख लेते हैं, अब इसको भी देख लेते हैं। दो गाले हैं इसमें, आइए। यह है स्नानागार, यह भी स्नानागार, और यह है शौचालय। उस समय सेक्रेटरी संजय कुछ बात है। अच्छा, और अब कब है? और कौन इस समय? कौन है इस समय? परविंदर यादव है। संजय कुछ बाहर, परविंदर यादव और गांव के मृतक लोग। हाँ, क्यों है? सही बात है, गांव के मृतक लोग और पन्ना प्रमुख, पता नहीं है कि नहीं, और शक्ति केंद्र, शक्ति केंद्र, शक्ति केंद्र। आपके अंडर में कितने लोग हैं? जो हमारे यहाँ शक्ति केंद्र में तीन बूथ है, तीन बूथ है, तलवल, औरंगाबाद। हाँ। बूथ संख्या 126, 127 और 132। क्या बात है, अभय नारायण राय को सब याद है, शक्ति केंद्र प्रमुख हैं, और बिचारे कह रहे हैं, डाई डाई कर रहे हैं, हम लोग कोई नहीं काम हो रहा है, काम हम लोग क्या करें बताइए। राय साहब आप बहुत अच्छे हैं जो ऐसा कह रहे हैं। अब आइए देखिए इसका टैंक कहाँ है, उसको देख लिया। टैंक पोखरा में बना होगा कि वहाँ पे बाह बाह जलाशय का, तो कहाँ इसका लैटरिन जाएगा? बाह बाह, ये क्या है? एक टैंक गड्ढा है इसमें, और 561 नंबर का पोखरा है। 561 नंबर का पोखरा जी, ओ शेर देखिए है, इसलिए वो लगाए हैं। अब देख लीजिए पाइप, या पाइप आएगा इसमें, और जलमल या गड्ढा खोदा नहीं गया होगा, बस ऐसे ही रख करके खेल हो गया, इसमें से कभी आया नहीं, इसमें से यहाँ, और यह पोखरा, पोखरा भी सूखा है, कहीं पानी आने की जगह नहीं है, कहाँ से पानी आएगा बरसात का, कैसे ले आएंगे लोग? अमृत महोत्सव में ऐसा तो पानी नहीं आने देते हैं लोग उधर के नहर में से। अच्छा, नहर में से पानी नहीं आने देते, चक्रो नाली लोग पाट दिए हैं। अच्छा, ये अमृत वाला नहीं ना है पोखरवा? अमृत वाला नहीं है। अच्छा, अमृत वाला दूसरा है, इसके बगल में। अच्छा, उसका क्या हाल है? उसका वही हाल है, वही हाल है, इसी तरह से। राय साहब आप धन्य है, आप धन्य है, एक बार बहुत अच्छे, इसलिए नहीं कि आप ऐसे कह रहे हैं, इसलिए कि आप अच्छे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, स्वीकार करने वाला कोई नहीं आज की तारीख, कोई नहीं है, कोई नहीं है। ये कहाँ से आप आ गए, हम तो बुलाए भी नहीं थे, लेकिन परमात्मा ने राय साहब को भेज दिया। देखिए ये हॉस्पिटल, और यह हॉस्पिटल है, यहीं से देख लीजिए, इसमें डॉक्टर डॉक्टर नहीं आते हैं। आइए थोड़ा सा बढ़ के, नहीं आते हैं, आइए थोड़ा सा बढ़ के दिखा देते हैं। क्या बचवा है? नमस्ते, सबको प्रणाम, देवियों को प्रणाम। अरे भोजन मिला है? क्या बना था आज? अच्छा, सब्जी चावल, बहुत बढ़िया। आ सब्जी के और क्या बोला जला? तरकारी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यह हॉस्पिटल है, देख लीजिए, पहले तो टंकी वाला देख लीजिए, टंकी कहाँ इसकी चली गई, ऐसे ही रखा गया है। यह क्या है राय साहब? अच्छा, घर घर जल वाला है, यही आसियाना है इस समय। हाँ,
बहुत बढ़िया। यह चिकित्सक और चिकित्सा कर्मियों के आवास हैं। इसको आप देख ही रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं है। पूरी बाउंड्री टूटी है, शीशा पूरा सब खड़ा है, टूटा है। हाँ, तो हम तो कहे कि स्वास्थ्य सेवाओं को घर घर पहुंचाने का दावा पिछली सरकार ने भी किया, बहन जी ने भी किया। बहन जी ने यह किया कि एक बस चलती थी सर्वजन हिताय वाली, सब बसें सड़ गईं। उसके बाद 108 और 102 चला, वो सब अभी भी सेवाएं दे रही हैं। लेकिन मरीज को न यहाँ डॉक्टर हैं, न कोई चिकित्सा कर्मी है, न ही पीने के लिए पानी है, और ना ही कोई दवा का समुचित प्रबंध। आइए इस तरफ भी दिखा देते हैं एक बार। आइए हैंडपंप को भी देख लेते हैं, सही है? अरे ठीक बात है। आएगा आएगा, चाहने वाली भी मिलेगी, जरा सब्र करो। चलिए अब हो गया, 5-7 बार चलाए ना, आ ही जाएगा। मान गए आप कह रहे हैं तो आ जाएगा। इस पर भूल करके भी कभी नहीं चढ़ना है, क्योंकि कभी भी ये नीचे जा सकता है। बहरहाल इसमें कुछ होगा नहीं, लेकिन चोट तो लगेगी। यह क्या है राय साहब? ओहो वाह 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 वाह, इसमें कुछ दवाएं हैं, देखिए कुछ पत्ते की दवाएं हैं, कुछ शीशियां हैं। हाँ नहीं, वो बची हुई शीशियां हैं, मतलब जिसका जिसका प्रयोग नहीं हुआ है। अब लोग देंगे नहीं, कोई मरीज आएगा नहीं। आइए टंकी पर थोड़ा बाजा बजा दिया जाए। अमृतकाल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अमृतकाल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी का जिंदाबाद कर देते हैं, और सभी उस लायक हैं, एक दो नहीं, सब एक से एक है। और उससे भी गए गुजरे हम लोग हैं जो टोका टाकी नहीं करते हैं, और अगर कोई टोका टाकी करता है तो लोग कहते हैं तुम्हें अच्छा अच्छा नहीं दिखता है, देश का कल्याण तो ऐसे नहीं होगा। दोस्तों मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, आदर पूर्वक हमारा प्रणाम स्वीकार करें। मैं अपने जनपद में हूं, गृह जनपद में हूं, हमारा गृह जनपद उत्तर प्रदेश का गाजीपुर है, और गाजीपुर में यह सदर विकास खंड है। सदर विकास खंड का यह तलवल गांव। प्रणाम, नमस्कार, शुभकामना।